नमस्कार। और शुरू करने वाले हैं हम बायोलॉजी के 101 लाइनर्स, जो पर डे हम एक लेक्चर में सॉल्व करते हैं उनको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल पहला देखिए, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, यानी कि जो नॉर्मल पूरा जीनोम जिसके अंदर है डीएनए जो बैक्टीरिया का, उसके अलावा जो है एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। आपको उसका नाम बताना है कि ये जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, ये इसको किस नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जो नाम दिया गया है अलग से, वो है प्लास्मिड। ठीक है, अगला सवाल है कि वैक्यूल्स जो है वो मुख्यतः किस कौन सी कोशिका में पाई जाती हैं, पादप कोशिका के अंदर या फिर जंतु कोशिका में। तो वैक्यूल्स जो है वो यूजुअली प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये पूरा अगर साइटोप्लाज्म देखे तो बहुत बार तो उसका 80% एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल से बना हुआ होता है, इतनी ज़्यादा होती है। तो एनिमल सेल जो है जंतु कोशिका के अंदर बहुत ही रेयरली मिलती हैं वैक्यूल्स। अगला लाइसोसोम्स के बारे में पूछा है, तो लाइसोसोम्स के बारे में हमें ये तो मालूम है कि सुसाइडल बैग्स के नाम से इनको जाना जाता है, बट इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सुसाइडल होते हैं। तो इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हर तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे लाइपेजेस होते हैं। तो ये जिस तरह के भी कंपाउंड जो है लाइसोसोम के पास में आते हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसको एकदम से खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या प्रेजेंट होता है लाइसोसोम्स के अंदर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। अगेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को जाना जाता है टोनोप्लास्ट के नाम से। अगला सवाल देखते हैं, बैक्टीरिया जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है मूव कर पाते हैं, उनके अंदर मोटिलिटी होती है, एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं वो। और ये जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर, वो किसकी मदद से होती है? वो होती है फ्लैजेला की हेल्प से। बैक्टीरिया को यूजुअली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से एक एंड पे एक फ्लैजेला होते हैं, कुछ के पास में दोनों तरफ फ्लैजेला होते हैं, और कुछ के पास में इस तरह से पूरी बॉडी के ऊपर उनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये इस तरह के कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिनके अंदर इस तरह से फ्लैजेला पाए जाते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही है कि फ्लैजेला मेन जो लोकोमोटरी ऑर्गन है बैक्टीरिया का, दैट इज फ्लैजेला। अगला है स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में, कि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो हैं कहाँ से बनते हैं? दे आर डिराइव फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। स्टेरॉयड हार्मोन्स जितने भी आपके बनते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसी की हेल्प से फॉर्मेशन होता है स्टेरॉयड हार्मोन्स का। स्टेरॉयड हार्मोन्स आपके कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यही है कि आपको स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है उनके नाम बताने हैं। कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स के एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों मेनली, इनके ज़्यादा अमाउंट्स फीमेल बॉडी में पाए जाते हैं, और एक आपके पास हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरॉन, जिसके ज़्यादा अमाउंट्स जो है वो मेल बॉडी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इंसुलिन की नेचर पूछी है कि इंसुलिन एक किस तरह का हार्मोन है? इंसुलिन एक प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है। ओके, और कहाँ से सीक्रेट होता है इंसुलिन? इंसुलिन सीक्रेट होता है पैंक्रियाज से। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, आपको कॉमन सेकंड मैसेंजर्स के नाम बताने हैं। सेकंड मैसेंजर्स के सबसे कॉमन जो नेम्स है वो है CAMP। CAMP को हम बोलते हैं साइक्लिक AMP। उसके अलावा जो कैल्शियम आयन है वो भी सेकंड मैसेंजर की तरह ऐड करता है। DAG नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, दैट ऑल्सो एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर्स। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके जो थर्स्ट और हंगर के सेंटर, जब आपको ये पता चलता है दैट यू आर हंग्री, उसके सेंसेशंस जो हैं आपकी बॉडी में कहाँ से जनरेट होते हैं? या फिर जब कभी भी आपको प्यास लगती है, वो उसके जो आपके पास में इम्पल्सेस हैं वो आपके पास कहाँ से पहुँचते हैं? या फिर उन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो आपकी बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड हैं? तो आपकी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है उसके अंदर आपका थर्स्ट सेंटर एज वेल एज जो हंगर सेंटर है, दोनों सिचुएटेड है। सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसी के साथ आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए शरीर के तापमान को, जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो कहाँ मौजूद है? वो भी प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेंटर्स, केंद्र जो हाइपोथैलेमस में है, वो कौन कौन से हैं? थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है, एंड लास्टली बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का सेंटर है। अगला सवाल है, द स्लीप पैटर्न्स आर अफेक्टेड बाय द सीक्रेशंस ऑफ। स्लीप पैटर्न्स के ऊपर इफेक्ट डालने वाला आपको एक हार्मोन का नाम बताना है। तो आपके ब्रेन के अंदर ही एक और ग्लैंड है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि की जो सीक्रेशंस हैं वो आपके जो स्लीप पैटर्न्स है, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, उसको इफेक्ट करती हैं। ओके, द टू पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट आपको बताने हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
ओके तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हॉर्मोन रिलीज होते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो दोनों हॉर्मोन्स कौन से हैं? वो दोनों हॉर्मोन्स हैं, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH। ADH को एक और नाम से भी जाना जाता है, विच इज वैसोप्रेसिन। ओके वैसोप्रेसिन, ठीक है। अगले सवाल में आपको ADH के फुल फॉर्म पूछिए। ADH होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी ये वो हार्मोन है जब कभी भी आपकी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये जाकर के कहाँ पे ऐड करेगा? ये जाकर के आपके किडनीज में जो नेफ्रॉन है वहाँ पे ऐड करेगा, और जो भी एक्सेस वाटर बॉडी से बाहर जा रहा था उसको वापस एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर ही रख लेगा, ठीक है। तो ये डायूरेसिस जो है उसके खिलाफ काम करता है, तो इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को जो है लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ जो मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप है वहाँ पे ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन का वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मदर और उसके बेबी के बीच में। दैट्स वाई ऑक्सीटोसिन का एक और नाम है विच इज लव हार्मोन। एक मिक्स्ड ग्लैंड बताना है आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है, वो आपकी बॉडी में एक मिक्स्ड ग्लैंड जो है वो है पैंक्रियाज। ऐसा क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज जो है उसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि एक्सोक्राइन फंक्शन कौन सा है पैंक्रियाज का, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट वो होता है किसी भी ग्लैंड का जब उसके पास में प्रॉपर डक्ट्स जो है वो अवेलेबल होती हैं अपने सीक्रेशंस को किसी भी दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनके पास में अपने डक्ट्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, और डक्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीक्रेशंस हैं या फिर जो हॉर्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एम्प्टी कर दिए जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही वो पहुँचते हैं जहाँ कहीं भी उन्हें फाइनली पहुंचना होता है। बट ऐसा एक्सोक्राइन पार्ट के साथ नहीं होता है। जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं, इनके लिए प्रॉपर डक्ट्स जो है वो अवेलेबल है। और इसी तरह अगर हम बात करें एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियाज का, वो कौन सा है, वो रिलीज करता है दो हॉर्मोन्स जो कि दोनों हेल्प करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए। और ये दोनों हॉर्मोन्स कौन से हैं? एक इंसुलिन है जो हम सब जानते हैं, और दूसरा कौन सा है? ग्लूकागॉन। ओके ये आपका इन्वॉल्व होगा एंडोक्राइन पार्ट के अंदर। आपको एक हार्मोन का नाम बताना है जिसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्टिसोल जो है वो आपका रिलीज होता है एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है। अगला आपको प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन बताना है। प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। एंड सिमिलरली आपको बताना है कि एक ऐसा हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेल सेक्स कैरेक्टर्स के अपीयरेंस के लिए, ठीक है, वो अगेन कौन सा है? आपका टेस्टोस्टेरोन, जो पैटर्नड हेयर ग्रोथ होता है, उसके अलावा जो मसल मास का फॉर्मेशन है, इस तरह के जो मेल कैरेक्टर्स प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं, वॉइस में जो चेंजेस हैं, फेशियल हेयर का डेवलपमेंट है, ये सारे होते हैं बिकॉज ऑफ अ हार्मोन जो कि है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेक्स हार्मोन होता है, सॉरी नॉट ऑर्गन, हार्मोन। आपको बताना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अगेन जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हार्मोन है? वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन के सारे फंक्शंस यहाँ पे एक जगह पे मेंशन है, आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर। अ हार्मोन इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कौन कौन से? प्यूबर्टी के टाइम पे फिजिकल चेंजेस की बात की जा रही है अगेन, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, टेस्टिकल, फेशियल हेयर का डेवलपमेंट, बॉडी हेयर का डेवलपमेंट, मसल ग्रोथ, ये सारे कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होते हैं? ये सब होते हैं टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में, ठीक है। तो या तो अगर आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके पूछा जाए, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर पूछा जाए आपसे कि जो फेशियल हेयर का ग्रोथ है मेल्स के अंदर वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। या फिर सिंपली आपको इन सब की जगह एक वर्ड अगर दे दिया जाए कि जो मेल कि जो मेल कैरेक्टर्स हैं प्यूबर्टी के टाइम पे जो डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा है 323 के अंदर, तो ये कैरेक्टर्स जो है ये किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन से हॉर्मोन्स हैं जो ओवरी से रिलीज होते हैं। तो ओवरी से दो हॉर्मोन रिलीज होते हैं, और वो दोनों हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? एक एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा हार्मोन है जो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है प्यूबर्टी के टाइम पे? तो प्यूबर्टी के टाइम पे वो हार्मोन जो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है।
ओके, अगला सवाल है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल ह्यूमंस। तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है गर्ल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसके लिए एक अलग से नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? मेनार्की। ठीक है, मेनार्की होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है, बंद हो जाते हैं जब, उसको हम बोलते हैं, उस टाइम को बोला जाता है मेनोपॉज। पॉज यानी कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो पॉज हो चुका है, इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो और फीमेल्स में नहीं होगी। ओके, अगला सवाल देखिए, मेंडल हैज सेलेक्टेड, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो भी किए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्लांट को चूज किया था, वो कौन सा प्लांट था? उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को। अगला आपसे पूछा है कि हाइपोग्लाइसीमिया से आप क्या समझते हैं? हाइपो वर्ड कहीं पर भी आया, हाइपो का मतलब होता है कम और ग्लाइसीमिया यहाँ पे है ग्लूकोज। अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में, रक्त के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए हाइपर ग्लाइसीमिया बोल करके, तो हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना। तो अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड में, रक्त के अंदर अगर ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा होंगे तो हम उसे बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया। रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके RBCs हैं, उनका डिस्ट्रक्शन जो है वो कौन से ऑर्गन में होता है? उनका डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन के अंदर, जिस वजह से स्प्लीन को हमने ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोला था। ठीक है, याद होगा आपको, कल ही डिस्कस हमने किया था। नेक्स्ट आपको बताना है ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का pH होता है ऑलमोस्ट 7.4 ऑन एन एवरेज। ECG आपको बताना है, ECG होता है, ECG का फुल फॉर्म भी मे बी आपसे पूछा जाए, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन की एक्टिविटीज़ को बताता है। तो ECG में कुछ नहीं होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, ये आपने टीवी स्क्रीन में बहुत बार देखा होगा, टीवी में बहुत शो करते हैं ये। तो यहाँ पे सिर्फ हार्ट की एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो EEG है, EEG का हम फुल फॉर्म नहीं देखेंगे अभी, वो रिलेटेड नहीं है, वैसे वो होता है इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम जो है वो आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उनको रिकॉर्ड करता है, सिमिलरली जैसे ECG है उसी तरह से EEG है। एक लाइफ सेविंग हार्मोन बताना है आपको, तो एड्रेनलिन को लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिस टाइम पे अगर फाइनली जो है अगर सारी ड्रग्स दे दी जाती है फिर भी कोई भी चेंज नहीं होता है, तो लास्ट रिजॉर्ट जो है वो रहता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है, सो इस वजह से उसे लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है। 3F हार्मोन आपसे पूछा है क्या है? फियर, फाइट और फ्लाइट। यहाँ पे तीनों F जो है उसके अलग अलग मतलब है। एक F होता है फियर, डर, दूसरा होता है फाइट, झगड़े के समय, लड़ाई के समय, और तीसरा होता है फ्लाइट यानी कि उड़ान के टाइम पे। तो ये तीन ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन का रिलीज होता है, तो इसीलिए एड्रेनलिन को 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगेन, एड्रेनलिन कहाँ से रिलीज होता है? आपके एड्रेनल ग्लैंड से। तो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले दो हार्मोन्स अब तक हमने बात करी है, पहला था कॉर्टिसोल और दूसरा है एड्रेनलिन। DNA की फंक्शनल यूनिट आपको बतानी है, तो DNA की सबसे छोटी यूनिट जो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह ऐड कर सकती है वह होती है आपकी जीन। ठीक है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी एक कैरेक्टर के लिए। SARS का फुल नेम आपसे पूछा गया है, SARS का फुल नेम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, SARS से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। प्रोटीन फैक्ट्री इज द अदर नेम फॉर, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कोई भी फैक्ट्री है उसे फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? बेसिकली क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम को ही हमने बोला प्रोटीन फैक्ट्री, और प्रोटीन बनते कहाँ पर है? राइबोसोम में ही। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और होना चाहिए था, mRNA से। RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जब mRNA अगर आपके पास है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसलेशन। अगला आपको बताना है वो प्रोसेस जिससे एक DNA मॉलिक्यूल जो है वो खुद अपना एक और कॉपी बना लेता है DNA का, यानी DNA से DNA का फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं? क्योंकि एक DNA आपके पास पहले से था, उसी से आपके पास और DNA का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम कहते हैं DNA रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। ठीक है, रेप्लिकेशन बोलेंगे इसे हम, या फिर DNA रेप्लिकेशन आप अगर इसको कंप्लीटली बोलना चाहो तो।
अगला है द इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए। तो देखिए अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है उसी से एक और डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आपके पास में ये डीएनए का मॉलिक्यूल था, इससे आपके पास में एक नया डीएनए जो है ये बन गया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हम इसे कहेंगे ट्रांसलेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? वन सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन दो जगह मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर हो गया है। तो वंस अगेन हम यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर हम देखते हैं कहाँ पे जो एरर है। डीएनए से डीएनए की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो हमारी कौन सी थी? रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और पीछे जो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया दैट इज वो एकदम सही है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं आना था। ओके, तो डीएनए से आरएनए का जो बनना है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से हम प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो क्या होता है? वो प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसलेशन। ठीक है, हाइपरटेंशन अगर आपने कहीं पे शब्द सुना हो तो ये शब्द किस चीज के इंक्रीज के लिए यूज करते हैं? कौन सी चीज यहाँ पे हाइपर हो गई है? तो यहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अगर यहाँ पे बढ़ जाता है एक लिमिट से ज्यादा तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब आपको मालूम होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए जो साइंटिफिक नेम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर वो है होमो सेपियंस। तो आपको यहाँ पे बताना है होमो सेपियंस जो एक्चुअली वर्ड जिन्होंने दिया था, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो मतलब है होमो सेपियंस का वो होता है वाइस, बुद्धिमान आदमी, कोई बुद्धिमान होता है उसके लिए। ठीक है, अब जो गाय का दूध है उसका कलर थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, और ऐसा कौन सा केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका कलर येलोइश होता है? तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैरोटीन। कैरोटीन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से होगा काउ के मिल्क का कलर येलो। सिमिलरली हमने कैरोटीन को डिस्कस किया था कहाँ पे? कैरेट के अंदर, कि कैरेट का जो कलर होता है वो भी किस वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। तो एक पिगमेंट की वजह से हो सकता है दो कलर भी आए। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है टॉलेस्ट प्लांट कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो रेडवुड सिकोया जो है वो टॉलेस्ट प्लांट है। ठीक है, यूकैलिप्टस उसके बाद में आता है, यूकैलिप्टस आपको मिल सकता है कहीं पे आंसर में। नेक्स्ट आपसे स्मॉलेस्ट फ्लावर पूछा है कौन सा है वर्ल्ड का, तो वॉल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावर है और रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा फ्लावर है। ओके, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है तरल जो हिस्सा है उसे आप क्या कहते हो? वो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड जो है वो बनता है एक प्लाज्मा से, और प्लाज्मा के साथ में उसमें ब्लड की जो कोशिकाएं हैं रक्त की कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि रक्त का निर्माण जो है वो कौन सी दो चीज़ों से होता है? एक ब्लड सेल से होता है और दूसरा किससे होता है? प्लाज्मा से। और ब्लड सेल्स आपकी कौन कौन सी हैं? ब्लड सेल्स आपकी हैं आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और तीसरी कौन सी हैं? प्लेटलेट्स हैं। ओके, ठीक है, अगला हम देखेंगे विच इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ट्री, दुनिया का सबसे विश्व का सबसे छोटा ट्री कौन सा है? ड्वार्फ विलो जो है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा ट्री है। आपको एक हार्मोन बताना है जो कि जाइजेंटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइजेंटिज्म जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जाइजेंटिक जो वर्ड है वो यूज करते हैं कुछ जो बहुत विशाल काय हो उसके लिए। तो ग्रोथ हार्मोन जो है अगर आपकी बॉडी में एक्सेसिवली सीक्रेट अगर होगा तो उसकी वजह से जाइजेंटिज्म हो सकता है। इसी तरह से सिमिलर एक डिजीज है जो कि एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली में भी क्या होता है? सेम, अगर ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में तो उससे एक्रोमेगैली हो सकता है। सिमिलरली ड्वार्फिज्म, बौनापन, बौनापन भी किससे होगा? जो हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होने की वजह से अगर किसी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी वो अगर कम रिलीज होगा तो उसकी हाइट वगैरह या फिर बाकी सारे कैरेक्टर्स कम डेवलप होंगे, तो सेम होगा आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर सीक्रेशन कम होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, और ज्यादा होगा तो एक्रोमेगैली और जाइजेंटिज्म दो प्रॉब्लम्स होंगी। ह्यूमन हार्ट आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ह्यूमन हार्ट जो है आपके दोनों लंग्स जो हैं, दोनों लंग्स के बीच में ऑलमोस्ट लोकेटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट आपका जो लंग है उसकी तरफ है। तो ये जो पूरी आपकी जो ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे और उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपके पास में इस तरह से यहाँ पे ऊपर से आपके पास में रिब्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे जो आपको एक्सटर्नली फील होती होंगी। तो ये जो
पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे नीचे आपके पास में डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो आपका हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है थोरेसिक कैविटी के अंदर, और लंग्स दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड है। फंक्शन क्या है हार्ट का? हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करके सारे सेल्स हैं उन तक पहुंचाना है, ताकि वो जितने भी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, और उनके पास में जो फालतू की पड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लेकर के बाहर एटमोसफेयर में भेज सकें। द सर्क्यूलेशन वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट। अब देखिए, एक पार्ट होता है ब्लड के सर्कुलेशन का जहाँ पे जो हार्ट है उसको खुद को भी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की। तो हार्ट से ही शुरू होने वाली ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ट को ही सप्लाई करती हैं, एंड दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो आपने अभी तक पल्मोनरी सर्कुलेशन सुना होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन सुना होगा, उसके साथ साथ में वन मोर इज प्रेजेंट विच इज कोरोनरी सर्कुलेशन। सबसे बड़ी आर्टरी आपको बतानी है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी कौन सी है आपकी? एओर्टा, महाधमनी। अब आपका जो हार्ट है उसके जो ब्लड रिसीविंग चैम्बर्स हैं उनको आपको नाम बताना है, उनके नेम्स क्या होंगे। ये हमने हार्ट ड्रॉ किया। हार्ट के जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं आपके, जो एट्रियम है, वो क्या करते हैं, उनके पास में हमेशा ब्लड जो है वो आता है, वो ब्लड रिसीव करते हैं बाकी सारी बॉडी से, और जो वेंट्रिकल्स है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करेंगे, ठीक है। तो एट्रिया जो है उनको रिसीविंग चैम्बर्स बोला जाता है, ये रक्त जो है पूरी बॉडी से प्राप्त करते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो सारे चैम्बर्स के अंदर, सारे आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके अंदर भेजते हैं ब्लड को, ओके। तो रिसीविंग चैम्बर्स कौन से हो जाएंगे आपके? एट्रिया। उसके अलावा ज़्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे, ये जो वॉल्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है वेंट्रिकल्स को, ठीक है। तो ज़्यादा मस्कुलर चैम्बर्स जो हैं हार्ट के, जिनमें मसल ज़्यादा प्रेजेंट है, वो आपके कौन से हैं? वेंट्रिकल्स। इसी तरह से आपको बताना है आर्टरीज जो होती हैं आपकी और वेन्स जो होती हैं, आर्टरीज और वेन्स को बीच में जोड़ने वाली जो छोटी वेसल्स होती है उनका नाम क्या है? उनका नाम है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है, जो रक्त है, वो हृदय में ले जाने का कार्य कौन करती है? वेन्स करती है। वेन्स कैसे ब्लड कैरी करती है? इम्प्योर आप बोल सकते हो, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन जो आर्टरीज है वो किस तरह का ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में, यानी अगर ये पूछा जाए आपसे एओर्टा के ओपनिंग के अंदर कौन से वॉल्व प्रेजेंट हैं, तो उन वॉल्व्स का नाम है आपका सेमी लूनर वॉल्व्स, ठीक है। और इसी तरह से जैसे अगला नाम देखिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, तो ये आपसे पूछा है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो आप ये तो आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बीच में। लार्जेस्ट वेन बतानी है आपको बॉडी की, लार्जेस्ट वेन होती है आपकी सुपीरियर वेना केवा, कई कई जगह इंफीरियर वेना केवा भी हो सकता है। तो सिंपली सुपीरियर वेना केवा जो है वो आपकी ब्लड कैरी करती है आपके हेड से, नेक वगैरह के पार्ट से लेकर के जाती है उसको हार्ट के अंदर, और इन्फीरियर वेना केवा आपके लेग्स से और बाकी बॉडी से लेकर के जाती है। तो वैसे दोनों में ही कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। लार्जेस्ट वेन अगर आपको पूछा जाएगा तो इधर द आंसर विल बी सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा, मोस्ट केसेस में हो सकता है आपको सिर्फ वेना केवा ही दिया हो। डेंगू फीवर आपको बताना है किस वजह से होता है। डेंगू फीवर डेंगू वायरस की वजह से होता है, क्योंकि वायरल डिजीज है एक डेंगू। ट्यूबरक्यूलोसिस का कॉजल और कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस किस वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। सिमिलरली एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किस वजह से होता है? एचआईवी वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये क्या करता है आपकी बॉडी में अटैक करने के बाद में आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ही वीक बना देता है, ठीक है। टिटनस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? टिटनस अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पे ये भी मेंशन करना जरूरी है कि ये बैक्टीरिया है, फंगस है, क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है या वायरल डिजीज है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, सिमिलरली टिटनस भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बैक्टीरिया आपका कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, ठीक है। अगेन न्यूमोनिया आपका जो है, न्यूमोनिया वाला भी एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी यहाँ पे देखिए आप सिमिलरली बता सकते हैं,
टिटेनाई से हम बता सकते हैं कि इससे टिटनस होता है। निमोनी, निमोनी से हम क्या बता सकते हैं कि निमोनिया होता है इससे, ठीक है। इसी तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में सिंपली आप बता सकते हो कि टीबी जो है इससे होगा, क्योंकि उसके नेम में ही वो डिजीज का नाम है। ओके ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्लावर, एक फ्लावर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, उसको किस नाम से जाना जाता है? गाइनेशियम के नाम से जाना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और सिमिलरली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, उसको जाना जाता है एंड्रोशियम के नाम से, ठीक है। गाइनेशियम के और नाम क्या हो सकते हैं? पिस्टल या कार्पल के नाम से भी गाइनेशियम को जाना जाता है। और सिमिलरली पिस्टल के पार्ट्स अगर आपको बताने, पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, ये ओवरी इस तरह का पिस्टल होता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये होता है स्टिग्मा, ओके वन सेकेंड, हाँ ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है स्टिग्मा। बीच का जो स्टॉक है वो होता है स्टाइल, और सबसे लोअर मोस्ट ये जो पार्ट है ये होता है ओवरी। ये तीन पार्ट्स हो गए आपके पिस्टल के। द टॉप ऑफ द कार्पल वेयर द पॉलन ग्रेन्स आकर के जिस पार्ट पे गिरते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, और या फिर जहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन होता है, या हम कहीं ओव्यूल्स का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, वो पार्ट आपका होता है ओवरी, ठीक है। और बीच में जो आपका स्टिग्मा है और जो ओवरी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट जो बीच में बनाया था हमने, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका स्टाइल। एंड्रोशियम का दूसरा नाम आपको बताना है क्या होता है? एंड्रोशियम का दूसरा नाम आपका स्टेमेंस भी हो सकता है, स्टेमेन के नाम से भी एंड्रोशियम जाना जाता है। अब आपको बताना है कि एंड्रोशियम के कितने भाग होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है, इस तरह से होता है। ये ऊपर एंथर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ये पीछे जो इसका स्टॉक है, स्टिक जो है इसकी, वो आपका होता है फिलामेंट, ठीक है। ये एंथर है और ये फिलामेंट। पॉलन ग्रेन्स इसमें से कौन से पार्ट में स्टोर्ड होते हैं? पॉलन ग्रेन्स स्टोर्ड होते हैं यहाँ पे एंथर्स के अंदर, ठीक है। आउटर मोस्ट वॉल जो है फ्लावर का, सबसे बाहरी जो पार्ट है एक फ्लावर का, वो कौन सा होता है? तो फ्लावर के अंदर सबसे अंदर की तरफ तो प्रेजेंट होता है आपका ये पिस्टल या कार्पल, उसके बाहर एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है, यानी ये दोनों सबसे अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आपके जो पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल्स आपके प्रेजेंट होते हैं उसके बाहर, ठीक है। ये कलरफुल से हमने पेटल्स शो करे हैं। और सबसे बाहर अगर आप बताएं तो जो लीव्स होती हैं फ्लावर के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं, वो सबसे बाहर होती हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर कौन पाया जाएगा? सबसे बाहर पाए जाते हैं आपके सेपल्स, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं वो फ्लावर के सबसे बाहर होती हैं। उसके बाद में कौन आती है? जो आपके कलरफुल पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, वो उसके बाद में आती है पेटल्स। तो सेकेंड बोल किस कौन सा बोलेंगे हम? सेकेंड जो उसका सर्कल बनेगा वो किसका बनेगा? पेटल्स का। और पेटल्स को कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइए कि पेटल्स जो है वो कलरफुल क्यों होते हैं? उनके कलरफुल होने के पीछे कोई रीजन है क्या? तो देखिए, इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो यूजुअली इंसेक्ट्स से होते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स जो है वो कलरफुल होते हैं। तो पेटल्स कलरफुल क्यों होते हैं? बिकॉज दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो प्रोसेस है उसके लिए। फर्टिलाइजेशन जहाँ कहीं भी होता है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे एनिमल्स में हो, कहीं पे भी हो, फर्टिलाइजेशन से हमेशा फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? जाइगॉट का होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल्स हैं, जो आपकी ओवरी थी, ओवरी के अंदर आपकी ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। ये ओव्यूल्स जो हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो ओवरी है वो फॉर्मेशन किसका करती है? फ्रूट का, ठीक है। तो फ्रूट आपका जो बना है बेसिकली, जो हम खाते हैं, वो किसी टाइम पे कोई फ्लावर की ओवरी थी, और जो सीड्स हैं वो सीड्स के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल्स थे, ओके। तो ये दोनों सीड्स और फ्रूट का जो फॉर्मेशन ये होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ओके। द ब्लड वेसल्स विच आर लोकेटेड डीप इन द बॉडी, कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डेप्थ में सिचुएटेड होती है, गहराई में स्थित होती है? वो होती हैं आपकी आर्टरीज, और जो सुपरफिशियली विजिबल आपको होती हैं वो ज्यादातर होती हैं वेन्स। वेन्स जो है वो ब्लू कलर की अपीयर होती है। ब्लू कलर की क्यों अपीयर होती हैं? क्योंकि इनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमने इसको इम्प्योर इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। और आर्टरीज को सिमिलरली हम कहते हैं कि आर्टरीज रेड कलर की अपीयर होती है क्योंकि उनके अंदर प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। हाईली मस्कुलर ब्लड वेसल्स, तो देखिए ब्लड वेसल्स में हमारे पास में आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं और कैपिलरीज आती हैं। इन तीनों के अंदर आपको बताना है कि मसल सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, बेहद मास वाली रक्त वाहिकाएँ कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं आपकी आर्टरीज। इनके अंदर मसल लेयर जो होती है वो काफ़ी थिक होती है वेन्स और कैपिलरीज के कंपेरिजन में।
स्फिग्मोमैनोमीटर पूछा है आपसे, हमने बताया था स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, बट सवाल ये है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से आप ब्लड प्रेशर आर्टरी में मेजर करोगे, वेन में मेजर करोगे या कहाँ पे मेजर करोगे? यूजुअली आपने देखा होगा यहाँ पे कफ बांधा जाता है, जो ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपका एक कफ होता है उसके पास में, वीपी इंस्ट्रूमेंट के पास में, तो यहाँ पे नापा जाता है जो ब्लड प्रेशर, वो हमेशा आर्टरीज के अंदर नापा जाता है। ओके, कौन से आपके बॉडी की कोशिकाएं हैं जिनके अंदर लीस्ट रीजनरेटिव पावर या फिर जो कभी भी डिवाइड नहीं करती, वो आपकी होती है ब्रेन सेल्स, या फिर इसी को आप नर्व सेल, नर्व बोल सकते थे, या फिर इसको हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। ओके, और इसी के साथ मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर किस में होती है? मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर जो है वो पाई जाती है लिवर के अंदर। रेड ब्लड सेल्स जो है उनका रेड कलर क्यों होता है? उनका रेड कलर इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है। एरिथ्रोसाइट जो है, एरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम है? एरिथ्रो के अंदर जो एरिथ्रो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल, तो ये रेड कलर की सेल्स होती हैं, तो आरबीसीज के लिए यूजुअली हम एरिथ्रोसाइट जो वर्ड है उसको यूज कर लेते हैं। इसी तरह से जो ल्यूकोसाइट है, इसमें ल्यूको का मतलब होता है वाइट या फिर कलरलेस, ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स आपके कौन से हो गए? डब्ल्यूबीसीज। और इसी तरह से प्लेटलेट्स के लिए हमने देखा था, प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। अगला आपको बताना है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, जो आंवला है या इंडियन गूजबेरी जो है उसको हर्बल इंडियन डॉक्टर, औषधि भारतीय चिकित्सक के नाम से जाना जाता, भारतीय औषधीय चिकित्सक के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं जो आपकी नॉर्मल सेल्स है ह्यूमन बॉडी की उसके अंदर, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आपकी बॉडी की हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, चाहे वो आपके हेयर की कोई सेल हो, ब्लड की कोई सेल हो, सब सेल्स के अंदर। बट यहाँ पर भी ये 46 जो है इसमें हम स्पर्म और ओवम की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ओवम सेल्स बोला है। स्पर्म और ओवम में 46 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये 100 MCQs जो यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।